इंस्टीट्यूट ऑफ एजुकेशन एंड रिसर्च रंगपुर रानिया। कोविड-19 के लॉकडाउन पीरियड में मैं आज 8th क्लास का टॉपिक साइंस के ऊपर फोर्स एंड प्रेशर जो कि चैप्टर 9 है उसको लेके आपके साथ समक्ष हूँ। तो अब आ जाओ देखते हैं कि कैसे इस टॉपिक में ज़्यादा से ज़्यादा स्कोर कर पाएंगे। अगर इसकी इंट्रोडक्शन की बात करें तो फोर्स और प्रेशर समझना बहुत इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि फोर्स हमें समझ आ जाएगी, प्रेशर समझ आ जाएगा, तो ये यूनिट्स के सारे ऑब्जेक्टिव हमारे पास क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन इज व्हाट इज फोर्स। और अगर आप फोर्स को विदाउट डिफाइन की बात करो तो आप हर टाइम फोर्स को यूज करते हो, जैसे टू ओपन द डोर, टू पिक अप ए स्कूल बैग, टू ब्रश योर टीथ, टू स्नीज, टूथपेस्ट फ्रॉम द ट्यूब, टू किक द फुटबॉल, टू हिट द क्रिकेट बॉल, टू ड्रॉ ए बकेट फ्रॉम द वाटर, फ्रॉम द वेल, टू ओपनिंग ए ड्रॉअर एटसेट्रा। इवन द अर्थ इज एग्जर्टिंग फोर्स ऑन अस ऑल टाइम, इट इज पुलिंग ऑफ अस एंड ऑल थिंग्स ऑन द अर्थ टूवर्ड्स इट। इन फैक्ट वी यूज फोर्स फॉर एवरी सिंगल एक्शन of ours, means whatever we do we use force. We are working on the earth is exerting pressure on, exerting a force on us. So इसमें देखा जाए तो फिर इसके बाद force को further study करने के लिए आपको चाहिए push. ये push क्या है? Force है exerted away from the body, that is hitting a snooker, kicking a football etc. push हम क्या करते हैं? Is a force exerted away from the body. जब हम किसी चीज को push करते हैं, hit करते हैं, force apply करते हैं, जो हमें वापस मिलता है, that is a push, pull. A pull is a force exerted towards the body. Pull क्या है? कि हम exert करते हैं force को towards the body. यहाँ पे away from हो जाता है, वो push होगी. Example, drawing a bucket of water from the well, playing a tag bar, etc. फोर्स क्या है? पुश और पुल ऑफ एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड फोर्स। अब देखो फोर्स की डेफिनेशन एक ही लाइन में कि पुश और पुल ऑन ऑब्जेक्ट, मींस पुश हो या पुल हो, बोथ इज कॉल्ड फोर्स। द इंट्रैक्शन बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स अराइजेज फोर्स। ए फोर्स हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। फिर इसके बाद क्या है? द स्ट्रेंथ ऑफ द फोर्स is expressed in magnitude, means इसको हम quantity में कर सकते हैं। Force brings about a change in the direction or state of the motion of the body, means force क्या है? Push or pull of an object is called force. Force क्या है? Expresses in magnitude. Force क्या करती है? Brings change करती है in the direction of the state of the motion of the body. Unit of force की बात करें तो यूनिट ऑफ फोर्स इज कॉल्ड न्यूटन एंड इट्स सिंबल इज एन। बेसिकली न्यूटन क्या है? किलोग्राम मल्टीप्लाइड बाय मीटर पर सेकंड स्क्वायर। सो दिस इज कॉल्ड फोर्स। सो इस क्लिप में हमने ये देखा कि व्हाट इज ए फोर्स, कहाँ कहाँ पे यूज करते हैं, कैसे फोर्स को हम रख सकते हैं। अब इसके बाद इसका नेक्स्ट पार्ट करते हैं, व्हाट आर द इफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। फोर्स क्या कर सकती है? कैन मूव बॉडी लाइंग एट द रेस्ट। जैसे कोई चीज है वो रेस्ट पे है तो हम उसके ऊपर फोर्स लगाएं तो वो क्या करेगी? मूव। फॉर एग्जांपल किकिंग ए स्टेशनरी फुटबॉल, लिफ्टिंग ए बुक कैप्ट ऑन द टेबल एटसेट्रा। फोर्स दूसरा पॉइंट क्या है? फोर्स कैन स्टॉप ए मूविंग बॉडी। एग्जाम्पल फील्डर स्टॉप्स ए बॉल हिट बाय द बैट्समैन, ए गोल कीपर स्टॉप ए फुटबॉल मूविंग टूवर्ड्स द गोल पोस्ट। थर्ड, फोर्स कैन चेंज द स्पीड ऑफ द मूविंग बॉडीज। एग्जाम्पल की इसमें बात करें तो बहुत सिंपल है, वी हैव सीन चिल्ड्रन कंपीटिंग विद वन अनदर मूविंग ए रबर टायर और ए रिंग बाय पुशिंग। टू मूव ए टायर दे पुश द टायर रिपीटेडली, बाय डूइंग दिस दे चेंज द स्पीड ऑफ द टायर। फोर्स क्या है? फोर्थ पॉइंट, फोर्थ में क्या हो जाएगा? चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। पहले में हमने कहा कि इट कैन मूव द बॉडी फ्रॉम द रेस्ट, फिर इट कैन स्टॉप मूविंग बॉडी। थर्ड में क्या है? फोर्स कैन चेंज द स्पीड।
फोर्स कैन चेंज द डायरेक्शन ऑफ द बॉडी। फिफ्थ में क्या है, डायरेक्शन ऑफ फोर्स कैन चेंज द शेप एंड साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट। एग्जाम्पल, ऑन स्ट्रेचिंग ए स्प्रिंग इट्स लेंथ चेंजेस, व्हेन वी स्ट्रेच ए रबर बॉल इट्स शेप एंड साइज चेंजेस, दिस इज द फिफ्थ। सिक्स्थ में क्या है, फोर्स कैन मेक बॉडी रोटेट। एग्जाम्पल, व्हेन इलेक्ट्रिक करंट पासिस थ्रू ए मोटर ऑफ ए सीलिंग फैन, फोर्सेज आर प्रोड्यूस्ड इन ए मोटर विच मेक्स द फैन टू रोटेट। फोर्स की अगर मोटी बात करें तो क्या है, कैन एक्सेलरेट ए बॉडी चेंजेस इट्स शेप एंड साइज आर कैन प्रोड्यूस ए रोटेशनल अफेक्ट। दीज आर द अफेक्ट्स ऑफ द फोर्स। नेक्स्ट, टाइप्स ऑफ फोर्स, इसके बाद हम लोग चलते हैं। पहले हमने पुल फोर्स का डेफिनेशन किया, फिर हमारे पास आ गए कि फोर्स में क्या क्या इफेक्ट होते हैं, फिर इसके बाद आ जाएंगे टाइप्स ऑफ फोर्स। मेनली देर आर टू टाइप्स ऑफ फोर्सेज बेस्ड ऑन द इंट्रैक्शन बिटवीन टू बॉडीज। फर्स्ट क्या है, कंटेक्ट फोर्स, एंड दूसरा इसका क्या है, नॉन कंटेक्ट फोर्स। कंटेक्ट फोर्सेज क्या है, कंटेक्ट फोर्सेज आर द फोर्सेज दैट एक्ट बिटवीन टू ऑब्जेक्ट्स दैट आर फिजिकली टचिंग ईच अदर। एग्जाम्पल्स क्या है ऑफ द कंटेक्ट फोर्सेज में, कौन कौन सी हो जाएगी, मस्कुलर फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स। मस्कुलर फोर्स की हम बात करते हैं, मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड यूजिंग पार्ट्स ऑफ द बॉडी लाइक आर्म्स और लेग्स। इट इज द फोर्स दैट रिजल्ट्स ड्यू टू द एक्शन ऑफ द मसल्स एंड इज इन कंटेक्ट फोर्स। सिंस देयर इज अ कंटेक्ट बिटवीन द सरफेस ऑफ द मस्कुलर फोर्स इज नीडेड व्हेनेवर मूवमेंट ऑफ द बॉडी ऑकर्स। एग्जाम्पल, इफ यू लिफ्ट ए ब्रिक फ्रॉम द ग्राउंड देन योर मसल डू द वर्क फॉर लिफ्टिंग इट, हेंस हियर ए मस्कुलर फोर्स इज अप्लाइड बाय द आर्म। सिमिलरली पुलिंग बेड, डोर, राइडिंग साइकिल एटसेट्रा आर एग्जाम्पल ऑफ मस्कुलर फोर्स। एनिमल्स लाइक बुलकॉक्स, बुलॉक्स, हॉर्सेस, डंकीज, कैमल्स आर यूज टू परफॉर्म वेरियस टास्क फॉर अस। इन परफॉर्मिंग दीज टास्क दे मे यूज मस्कुलर फोर्स। फिर इसके बाद है फ्रिक्शनल फोर्स। When a body slides or rolls through a rough surface, the force starts acting on it in a direction opposite to its motion along with the surface in contact. This force is called frictional force. Friction force have also a four types. यहाँ पे फोर्स, फ्रिक्शनल फोर्स की बात करें, फोर टाइप्स। पहली आ गई स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन। तो यहाँ चारों फ्रिक्शन हमारे पास टॉपिक है, फ्रिक्शन में ज्यादा डिटेल इसमें करेंगे। एग्जांपल, रोलिंग फ्रिक्शन की बात करें, रबिंग बोथ हैंड्स टुगेदर टू क्रिएट ए हीट, ए स्लेड स्लाइडिंग अक्रॉस स्नो और आइस आर एग्जाम्पल ऑफ द स्लाइडिंग फ्रिक्शन। सेकेंड में करें, any ball or wheel has rolling friction when rolled on the surface. Example, truck tires, ball bearings, bike wheels, basket etc., basketball etc. Third mein karein, weight of the particular object on the surface of the earth, the force of attraction between two magnets in mutual contact are examples of the static friction. Flow of ink in ball pens when we try to pour honey etc. are example of the fluid frictions. Sliding friction में हम लोगों ने कहा कि जब हम rub करते हैं hands को, this is the sliding friction. Example, आप ball का भी ले सकते हो, wheel का भी ले सकते हो, truck tires का भी ले सकते हो। तो any ball जो rotate करता है, that is a rolling friction. फिर इसके बाद थर्ड में क्या है, स्टैटिक फ्रिक्शन, वेट ऑफ पार्टिकल ऑब्जेक्ट ऑन द सरफेस ऑफ द अर्थ, द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन टू मैग्नेट्स इज कॉल्ड म्यूचुअल कॉन्टेक्ट और एग्जाम्पल ऑफ द स्टैटिक फ्रिक्शन। फ्लो ऑफ द इंक इन बॉल पेन और व्हेन वी ट्राई टू पोर हनी एटसेट्रा एग्जाम्पल ऑफ द फ्लूइड फ्रिक्शन। सो नेक्स्ट हमारे पास है मैग्नेटिक फोर्स। The force exerted by the magnet is called magnetic force.
What is a magnetic force? That force which is created by the magnet is known as a magnetic force. तो इसके लिए हमने in particular words में लिखा the force exerted by a magnet. ये magnetic force क्या है? जो force exert करती है between by the magnet उसको हम कहते हैं magnetic force. Like poles are the magnet repel each other, while unlike pole attract each other. These forces exist without contact between the two magnets. That is magnet attracts iron towards itself. फिर हमारे पास बहुत important part है इस lesson का, that is the pressure. The force acting on per unit area, the force acting on per unit area of the surface is called pressure. What is the pressure? Force acting on a particular unit area of the surface is called pressure. We can say force per unit area is called pressure. So mathematically pressure किसके बराबर हो जाएगा? Force upon force numerator में आ जाएगा, area denominator. From the above formula we can say that the same applied force pressure is indirectly proportional to the area. Thus pressure with increase in area and increase with decrease in area, SI unit of pressure is पास्कल. एग्जाम्पल की बात करें, when we cut an apple, we need to use a sharp edged knife instead of a blunt knife, because the sharp edge of a knife has a small surface area and we need to exert less force with high pressure to cut the apple. Second example इसमें ले लेंगे, when we put a nail into a wooden board, the pointed end of the nail is kept in front. And the pointed end of the nail has very small surface area. This enables to apply a greater pressure with the applied force. So हमारे पास है pressure exerted by the liquid and gas. Liquid and gas also exert pressure on the inner ball of the container in which they are kept. For example, when air is filled in a rubber balloon, gets inflated from all sides. This happens due to the air or gas exerted over the inner walls of the balloon. Third example is ki dekhni ho, water starts leaking if there is a pore in the bottle. This happens due to the water exert pressure over the walls of the bottle. Atmospheric pressure. The pressure exerted by the air around us is known as एटमॉस्फेरिक प्रेशर. ये था जो बेसिक कॉन्सेप्ट था, ये मैंने आपको पूरे यूनिट का दे दिया. तो अब लेट अस अगेन रिकैपिटुलेट द आइडिया. हमने सबसे पहले इसमें किया कि वी आर हैविंग फोर्स. व्हाट इज अ फोर्स? तो फोर्स में हमने इंट्रोडक्शन में लिया, फिर उसके बाद फोर्स पुश और पुल की बात की, बोथ को कंबाइन करें तो इट इज अ फोर्स. फिर इसके बाद इसका यूनिट आ गया. यूनिट करने के बाद हमारे पास आ गया इफेक्ट्स ऑफ फोर्स, कि कैसे कैसे फोर्स अफेक्ट करती है. छह पॉइंट्स इसमें दिए थे. फिर टाइप्स ऑफ फोर्स, के दो टाइप की मेन फोर्सेस है, कॉन्टैक्ट फोर्सेस और नॉन कॉन्टैक्ट फोर्सेस. तो हमने कॉन्टैक्ट फोर्सेस किया, इसमें दो टाइप की है, मस्कुलर है. फिर यहाँ से हम फ्रिक्शनल फोर्स की भी बात करते हैं. फिर हमारे पास आ गया नेक्स्ट, हमारे पास है फ्रिक्शनल फोर्स जो है वो चार टाइप की है, स्लाइडिंग फ्रिक्शन, रोलिंग फ्रिक्शन, स्टैटिक फ्रिक्शन, फ्लूइड फ्रिक्शन. जो स्लाइडिंग वाली है वो हम जब किसी चीज को किसी के साथ रब करते हैं, स्लाइड करते हैं, तो दैट इज कॉल्ड स्लाइडिंग फ्रिक्शन. फॉर एग्जांपल, बाय रबिंग बोथ हैंड्स प्रोड्यूसेस हीट. रोलिंग फ्रिक्शन, व्हेनेवर अ टायर ऑफ द ट्रक रोल्स और अ फुटबॉल रोल्स इज नोन एज रोलिंग फ्रिक्शन. स्टैटिक फ्रिक्शन क्या है? Weight of particular on the surface of the earth, the force of attraction between two magnets in mutual are example of static friction. Flow of ink or by flow of honey, if we pour honey it flows, it is called fluid friction. So iske baad hamare paas hai magnetic force, usko hum kehte hain ki force created by the magnet is called magnetic force. फिर pressure है, pressure की definitions कैसे, area इसमें concern, main इसका concern है. फिर इसके बाद last में हमने किया pressure exerted, pressure in type of solids, it is also exerted by the liquid and gas.
this we can say when we pour bottle water in the bottle, it starts leaking if there is a hole. It is due to the pressure of the water on the walls of the bottle. फिर लिक्विड की बात करें, ये हो गया. गैस की बात करें तो whenever we feel air in the rubber balloon, pressure exerted both by liquid and gas also. Liquid भी exert करता है. For example, हम लोग कोई water ले लें किसी bottle में तो थोड़ा भी hole होगा तो it will start leaking. This is due to the pressure of the water and the walls of the bottle. Likewise, air also exert pressure. Whenever we feel the air in the rubber balloon, it starts inflated. Then atmospheric pressure है. The pressure exerted by the air is known as atmospheric pressure. Thank you students. मैंने आपको basic concept chapter 7 का portion pressure का करा दिया है. तो कल हम इसके question parts को करेंगे. जो आपके textual questions हैं और important questions हैं with examination point of view. तब तक आप इसको read out कीजिए ताकि आपको अच्छे से समझ आ जाए. Thank you once again, student. Thank you.